तो राम राम जी, थान सारान है। स्वागत करूँ मैं थार सारांगो मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका बोबिया व्लॉग में। तो आज मैं बहुत ही लेट व्लॉग शुरू करन लाग रही हूँ। शाम का बज रही है 7। आज सुबह तो मैं रात के हर्ष कह रात के शाम का 7 बज रही है भाई। और आज मैं अब भी व्लॉग शुरू करूँ क्योंकि मैं आज थोड़ी बिजी होगी। मैं सोचो चलो थोड़ी ज़्यादा धूप वगैरह निकलन लग गई, तो मैं क्या करो रजाइयाँ वगैरह नहीं पाँगा, कवर मैं चेंज कराया, ब्लैंकेट निकालिया, रजाइयाँ रखी, चादर वगैरह चेंज करी। और क्यों रात ने यानी बहुत ही ज़्यादा गर्मी सी हो जाए तो फिर हर्ष उड़ है कौन ही नहीं, बिंगी वजह नहीं लगे ठंड। और अंदर अगर जिया पतला ब्लैंकेट जिया कवर मैं डाल लियागा नहीं तो फिर वह हल्का भी रहेगा और उड़ भी लिया रात ने। फिर मैं सोचो चलो अब आप इं करा भैया ने रजाइयान अंदर ही रख दें। तो मैं आज सारे दिन भी काम में ही लागी रही। फिर थोड़ी डस्टिंग डुस्टिंग मैं लग गई क्योंकि काफ़ी दिन हो गया घर साफ कौन करो, यहाँ करके आज पूरा टाइम ही निकल गया। तो यहाँ करके फिर सारो ही टाइम निकल गया आज। अब मैं सोचो चलो भाई अब फिर मैं शाम ने थोड़ी अफरी हुई आटो टोसन लियो और सब्जी भी बना ली। अब मको तो सागर तो थोड़ी थारों बात कर लूँ मैं क्यों काफ़ी दिन हो गया कोई अपनी बात ही को नहीं हुई। और सागर मको मैं वीडियो शूट कर लूँ, सागर थारों बताई कर लूँ। और अभी थोड़ी देर बाद में मैं खानों जिया रोटी बना लूँगी, सागर सागर सारा खा लेगा और बस रोटी रोटी यारों काम रहे। यहाँ करके राज फिर मैं कोई टाइम कौन मिलियो। अब शाम ने हम को चलो जी अब शूट करा तो जी थे किया वो सारा पियान। दो दिन हो गयो दिन में यहाँ धूप सी निकल से फिर बादलवाई हो जाए, फिर धूप निकला है फिर बादलवाई हो जाए, गर्मी सी हो रही है, यहाँ लगा बारिश आवेगी। और बीच में इतना तेज़ धूप होगी बहुत ही ज़्यादा, संडे का में बैठ गया वो शेर तो इतनी तेज़ धूप ही बहुत ही ज़्यादा, यहाँ लगा जिया मई जून को महीनों हुए नी बीया का दिन आ रहा। अब इतनी ठंडी हवा चल है बहुत ही ज़्यादा और मैं तो यहाँ सोचू मैं गलती कर ली रजाइयाँ अंदर रख गए, मैंने रजाइयाँ अंदर ना रखनी। तो जिते किया वो सारा और बढ़िया होगा क्योंकि मैं भी बढ़िया, हर्ष को जुकाम भी ठीक है, खांसी भी ठीक है, भूखे लगन लग रही है, खाना आवाज़ आती हुएगी। मैं दिखाऊंगी खाने के चीज़ों खेल है और वो क्या मैं एक कोइन आ सक जी बहुत सारा कॉइन्स ले रखे है पा सक मैं चैलेंज करना है। अब देखा भाई वो के चैलेंज करे गौर के बनावा है वो तो क्या हाँ बोल दूँ ठीक है ठीक है क्या मैंने कोई हार्ट सो चैलेंज दियो जिको मैं पूरा करूँ ठीक है। आज हर्षिल को भी एग्ज़ाम फिर फाइनल एग्ज़ाम हो गया स्टार्ट हर्षिल का, पहले एग्ज़ाम हो बतावे तो है भी अच्छो हुए है और रिजल्ट ही बतावे वो किया हुए है। अभी बार ट्यूशन आई है थोड़ा रेस्ट करने लग रही है कि मम्मा मैं थोड़ा सा टीवी देख लूँ उनको चल कोई देख ले फिर खानों खा के पढ़ने लग जाए क्योंकि वो नेक्स्ट एग्ज़ाम है जो वो है मैथ को है मैं क्यों बस तू तैयारी कर ली अब एर पढ़ ले। तो दिखाती हूँ मैं थाना हर्ष भी के करने लग रही है वो के चैलेंज को के वह तो ठीक है फिर भी देखो। तो वो देखो अनीता सारा कॉइन्स ले रखे हैं वो ज़्यादातर यहाँ आवे नहीं मैं अब कोई गेम को नहीं रही हो खेलन भी तो वो कह रहा कॉइन्स ले लिया। अब वो कह रही मैंने कोई थे चैलेंज दो क्यों मैं आसा गए खेलूँ मैं इनके अभी तू एक बिल्डिंग सी बना बिल्डिंग बना दो एक के ऊपर एक के ऊपर एक कॉइन रख के ठीक है। अब वो बनावा गो एर आप देखागा भाई पूरी बन जाएगी के क्यों ओ कह मेरू आधी बनेगी और नीचे गिर जाए मम्मा अभी हाँ टेडी बन जाए टेडी बन जाए का मेरो अब वो बना लग रहे स्टार्ट कर दिए ना ए देखो दिखाऊंगी ओ देखो
बनावा शुरू कर दी भाई हम बनानी। अब आप देखा जब तक बनेगी जब तक ऑन नहीं रखनी है। हाँ वो यहाँ का जब तक बने इत तक ऑन ही रखना है। इतने सारे कॉलेज मैं सबसे ज्यादा अमीर हूँ। हाँ कह रहा है कि मैं सबसे ज्यादा अमीर हूँ। ये देखो इतने सारे हर्ष का तो हमारा काम नहीं रहा ही है। ये देखो क्या लग रहा है 10 रुपए। ये क्या दस का कोई नहीं है। देख लियो अंठा है भी 10 गोएर 20 गोएर सारो ध्यान है। हजार का वो हजार गोएर हजार को कोई नहीं बताती हो भाई। मैं बैठी बैठी इन देखने लग रही हूँ भाई यू के कर है। अभी इतनी देर तो मेरे बैठी जा को नहीं मैंने मुड्डो लेना पड़ेगा भाई। मुड्डो लेवा एक छोटो सो मुड्डो है वो लेवा। देखो आमा छोटी सी मुड्डी है ओ मुड्डो नहीं मेरी मम्मी को तैयार करेड़ो है हर्ष का छुचक में। देखो ये सिख सुनी घंटी घुंटी लगा के तैयार करके दी है और कार लगा के अल्ले भाई मार तो हर्ष की बिल्डिंग ही गिर गई मुड्डा है चक्कर में। देखो हर्ष की बिल्डिंग ही गिर गई मार तो ओहो चलो दोबारा बनाओ मैं दूसरा कुछ बनाने के लिए ठीक है। ओ देखो मैं जिया कॉइन अलग अलग करानी सारा जिया 5 का अलग करन लग रहा 1 का अलग 2 का अलग 10 का अलग। बिग माओ देखो मन मिलियो है 100 को कॉइन वो अपनो को नहीं हो नेपाल को है वो नेपाल का है ये। हाँ ओ देखो 100 को कॉइन है वो मम्मा इसमें है नहीं बढ़िया ना। तो भाई वो बनान लग रही है बनान तो रो क्या बस अब मैं थक गयो अब मैं और कौन बनाऊ। नहीं मम्मा बना लिया दोनों ही बना रहे थे मैं रर्षी कहता मम्मा बोर नहीं बनाते। ये देखो ये इतनी लंबी लाइन बना रहा है तो ठीक है भाई अब ओ आपको खेल लियो अब वो डालने लग रहे गुल्लक में वापिस। अब गुल्लक में गल है गुल्लक में सारा डाल दिया गो और रख दिया गो एर मैं बना लियो अब रोटी यान खुआ दूँ तो ओ मारो आज को छोटो सो ब्लॉग क्योंकि आज कोई खास को नहीं हुई अंदर पर मैं भी सोचो भी चलो कोई बात नहीं एक ब्लॉग तो डेली आनू ही चाहिए तो बनायो मैं आज एक छोटो सो ब्लॉग तो बताइयो थन क्या लागो बिल्कुल शॉर्ट सो ही है एर ठीक है तो करा व्लॉग एंड मिला कल एक नया व्लॉग ऐसा गए तो बनया रही हो हमारे साथ इं और डेली कंटिन्यू करता रही हो ठीक है भाई बाय 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 तो गुड नाइट भाई नमस्ते और राम राम बाय बाय। पहले बात करी नहीं जी आके हर्ष खेलने लग रहे और एयर बिल्डिंग बनावा और फिर रोटी खुआ दी मैं एर अब मैं चल पड़िया मैं हम दोनों नहीं पापा और हर्ष भी हैं आगे बैठ गया रहे हैं। अब मैं चल पड़िया बालाजी धाम क्यों आज मंगलवार और अब मुको चलो बालाजी धाम धोक लगाई वा थोड़ा लेट ही आया मेरे बाल देखो कितने अच्छे से धोए धुले हुए हैं एर मैं चारू बैठ गया आज मम्मा मेरे साथ बैठे हैं हर्ष मैं मेरी मेहंदी देखी थी मैंने लगाई थी खुद देख लियो पेपर चल रहा है टावरांग मेहंदी नेल पेंट बाल धोया हूं कितना सोना आना चाहिए कौन क्यों मेरे पास एग्जाम हो बहुत अच्छा गया वो तो रिजल्ट बतावा वो तो चलो पढ़ना आसान नहीं है बाबा की लगाई हां धोक जाइयां वाला जी धाम ठीक है भाई सीट बेल्ट लगा के बैठे हुए सेफ्टी का कोई जरूरी हुआ सीट बेल्ट लगा के बैठनो ओ बैठो आपको निकलना तो जी मैं आ गया अठे बालाजी धाम में भीड़ हो रही है बहुत ही कार पार्किंग करने की जरूरत कोई पीछे पार्क करके आया और अब लेवांगा आगे जाके प्रसाद तो बैठा लेवांगा माला एक बार वो तू अंकल को दे रहे हैं अंकल को दे रहे हैं ये वाली लेते हैं कोई नहीं लेते हैं जा
अच्छा इतनी भीड़ हो रही है बहुत ही ज्यादा याली को नहीं। शाम का टाइम आरती को टाइम अब यहाँ का प्रसाद वो तो कहा बस मैं पेड़ा ही खाऊंगा ऐ चक के खा लिया हनुमान जी भोग लगाई थी दे रहे हैं थोड़ा पेशेंस रख। ये देखो ये ऑरेंज वाली बूंदी है ये पेड़े ये लड्डू बर्फी वो रंग बिरंगे वो देखो हनुमान जी पापा को तो वो ही लग गयो। यहाँ लगी हुई है लाइन आ गया मैं घरे लगाइए दो बाबे की इतनी भीड़ ही बहुत ही ज़्यादा आज तो चौकी भीड़ हो रही क्यों इन टाइम जहाँ आरती को टाइम हो जाए नहीं तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाए एर आपका कोई पेड़ा पाड़ा कोई बूंदी इन हर्षना पेड़ा बहुत पसंद है तो पेड़ा ही ले गया है आपका खान पीर हर्षी ले आई आपकी बूंदी इसी ले आई हर्षो येलो कलर वाली ले गई आई है यार अंत ही खान भी लग गई है तो मैं जाइए बालाजी दाम लगाइए बाबा की दोक तो ठीक है भाई टाइम हो रहे है अब 9:15 को तो ओ मारो आज को व्लॉग तो करा ही ना ठीक एंड मिला कल एक नया व्लॉग कैसा गया तो मेरा व्लॉग कंटिन्यू वॉच करता रहे करो देखे करो और मन कमेंट भी करे करो कि मेरा व्लॉग क्या लग है और दूसरी बात है मन थोड़ा सजेस्ट भी करो भी मैं और के टॉपिक पर खर खातर वीडियो बनावा तो मन यू थोड़ी हेल्प हो जाएगी एर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है बिन भी फॉलो करे करो मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक दे दो है वो जाके बिन भी फॉलो करो तो ठीक है जी अब कर दिया एंड तो मेरी तरफ हूँ नमस्ते राम राम शुभ रात्रि।